हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के वॉल्स के बारे में हमने बात किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सेल ऑर्गेनेल के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि ये बहुत छोटी सेल है इस वजह से इसमें ज्यादा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं वो है राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन बॉडीज। तो राइबोसोम क्या है, जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स रहता है, जैसा कि हमने बेसिक जो हमारा 6, 7, 8, 9 में हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इन द प्रोकैरियोटिक्स वो कहां प्रेजेंट है, तो इन द प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल मेम्ब्रेन है जहां पर अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो ठीक है। तो यहां पर क्या है, राइबोसोम्स का प्रेजेंट कहां पर है, वो प्रेजेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दूसरा है उसकी साइज है 15 नैनोमीटर to 20 नैनोमीटर। याद रखिए एमसीक्यू के वास्ते साइज पूछ सकता है उसकी कि राइबोसोम की साइज क्या है, तो 15 nm to 20 nm राइबोसोम की साइज है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन क्या है, जहां पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रहेगा और जहां पर अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस रहेगा। तो यहां पर अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस है, वहां पर साइज है उसकी 15 nm to 20 nm। उसके बाद है उसका कितने सब यूनिट प्रेजेंट है, ये एमसीक्यू के लिए पूछा जाने वाला बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल एमसीक्यू है यहां पर कि 70s राइबोसोम प्रेजेंट, देखिए यहां पर, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग सब यूनिट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं एक 50s एंड 30s, जिसमें से लार्जर सब यूनिट 50s वाला है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो है 30s वाला। जिसे हम लार्जर सब यूनिट कहेंगे वो है 50s और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s है। और जैसा कि यहां पर s का मतलब है स्विडबर्ग यूनिट, ठीक है, s फॉर स्वीडबर्ग। अब ये स्वीडबर्ग कौन था, स्वीडबर्ग ये किसी आप कहेंगे ऑब्जेक्ट है या आप कहेंगे कोई एनिमल्स है, ये एस फॉर स्वीडबर्ग, ये कुछ यूनिट दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो यस है वो साइंटिस्ट का नाम है, स्वीडबर्ग नाम का साइंटिस्ट था। आप कहेंगे सर ये दूसरा कुछ, ये एनिमल्स नहीं है, बर्ड्स नहीं है, या फिर कोई एकादा टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, ये यस स्वीडबर्ग नाम का जो साइंटिस्ट था, ओके, जिसने ये सब यूनिट्स के बारे में बताया है, तो उसे स्वीडबर्ग यूनिट कहा जाता है। और राइबोसोम्स के बारे में जो साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम है जॉर्ज पैलेडे। उसके बाद है राइबोसोम अटैच टू दी सिंगल mRNA चेन कॉल्ड दी पॉलीसोम। अब राइबोसोम अटैच रहता है, किससे अटैच रहता है, तो सिंगल mRNA चेन को, mRNA की चेन, यानी कि आप बोलेंगे कि ये चेन है जिसमें मैसेंजर RNA कोड किए जाते हैं, तो राइबोसोम इस पर अटैच होते हैं सेल ऑर्गेनेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में अभी बात नहीं किए, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होता है जब हम यूकैरियोटिक सेल शुरू करते हैं क्लास 11 के लिए, जब हम यूकैरियोटिक सेल शुरू करते हैं तो बच्चे यूकैरियोटिक सेल के सब यूनिट में और यहां के सब यूनिट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इस वजह से ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं राइबोसोम, वो प्रोकैरियोटिक सेल का, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन को तैयार करना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन राइबोसोम्स का काम रहता है, वो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल का हो चाहे यूकैरियोटिक सेल का हो।
उसके बाद है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है, ये रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गया, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गया, ये रिस्टोर करता है। यहाँ पर हमने क्या देखे, इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। रिजर्व यानी कि जहां पर कोई चीज बची हुई रहती है उसे रिजर्व कहते हैं, ठीक है। और रिजर्व है यानी कि क्या है, अगर कोई एक आधा क्रिकेट में देखते हैं इंजर्ड होता है, तो इंजर्ड हुए बाद उसे क्या करते हैं, उसे टीम से बाहर कर देते हैं, लेकिन उसके जगह एक रिजर्व प्लेयर लाते हैं। तो इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में भी रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, जैसा कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गया, देन ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गया। तो ये क्या है, तो ये है रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि सिंगल सेल रहता है, यूनिसेलुलर रहता है, आपको पता है, और उसके बाद उसमें अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस भी रहता है, लेकिन सेल ऑर्गेनेल से जो है राइबोसोम। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, मैं बताता हूं आपको, आरपी, यानी कि राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो उसके बाद राइबोसोम कहां है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एग्जाम में ये पॉइंट जो है बार बार पूछते हैं, अगर आप नीट में, अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट बार बार पूछते हैं। कौन सा पॉइंट, कि जैसा उसकी साइज क्या है, किसके बीच है, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, 17 नैनोमीटर टू 35 नैनोमीटर, 45 नैनोमीटर टू 35 नैनोमीटर, इस तरीके से 45 टू 75, इस तरीके से क्या करता है, आपको वो कंफ्यूज करता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है साइज 15 नैनोमीटर। और दूसरा एक पॉइंट जो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है वो ये है कि राइबोसोम्स का कितना यूनिट रहता है, 70S रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S रहता है राइबोसोम, कहाँ पर रहता है वो, यूकैरियोटिक सेल में। तो इसी तरीके से दो सब यूनिट होते हैं 50S एंड 30S। इंक्लूजन बॉडी राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA चेन कॉल्ड पॉलीसोम। उसके बाद फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व फूड मटेरियल। तो कल हम क्या करेंगे, फिर इसके आगे का देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, कल हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। हमने ये पोर्शन क्लास 11 के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, आप आपके दोस्तों में जितने भी 11 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा, और उसके बाद जो बेसिक बच्चे प्रिपरेशन करते हैं 6th, 7th, 8th, 9th के, उन्हें भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने ये वीडियो खास तौर पर शूट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th में है और बेसिक नॉलेज यू नो दैट कैप्चर करना चाहते हैं, और ये घर बैठे बैठे आपको ऑनलाइन तरीके से हम इसी तरीके से लेक्चर पढ़ाएंगे। आप शेयर कीजिएगा उन 11th के स्टूडेंट्स को, और इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ये बेसिक नॉलेज के वास्ते भी बहुत जरूरी है, जैसा कि 5th, 6th, 7th, 8th, इन बच्चों के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है, ये स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आपके दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।